होली एक ऐसा त्योहार है जिसे सभी धर्मों के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्रेम के रंगों से सजा यह त्योहार हर धर्म, संप्रदाय और जाति के बंधन को खोल देता है और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन 7 मार्च 2023 को पड़ रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार होलिका दहन की पूजा अग्नि और राख से इसका संबंध सभी प्रकार के संकटों को दूर करने और सुख सौभाग्य की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। होलिका की पूजा और उससे देखने को लेकर विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि होलिका दहन की पूजा किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। नवविवाहित महिलाओं को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। हिंदू मान्यता के अनुसार नवविवाहित महिलाओं को विवाह के बाद पहली होली पर ना तो होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए और ना ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जलती हुई होलिका देखने से दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की संभावना रहती है। सास बहू को एक साथ होलिका पूजन नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहू को भूल कर भी सास के साथ होलिका दहन की पूजा नहीं करनी चाहिए। होलिका को एक साथ देखना और एक साथ पूजा करना सास बहू का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। सनातन धर्म में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। होलिका दहन को लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए भी नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार उन्हें ना तो होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए और ना ही उससे जलते हुए देखना चाहिए। माना जाता है कि होलिका दहन से होने वाले दोष का बुरा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इकलौती संतान वाले व्यक्ति को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। हिंदू परंपरा के अनुसार जिनके इकलौता बच्चा हो उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए या इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके स्थान पर उस घर के किसी बड़े को जाकर उसकी पूजा और परंपरा करनी चाहिए।